नमस्ते दोस्तों, विजय जाधव आर्ट स्टूडियो एंड आर्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में ब्लैकबोर्ड ड्राइंग में हम लोग ने यह स्केच किया था। पार्ट फर्स्ट में मैंने ये ड्राइंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम कलरिंग करते हैं। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये वाटर पोर्डिमे का जो सब्जेक्ट है वो अक्सर इंटरमीडिएट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आता है। इंटरमीडिएट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए ही आता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, इसीलिए इसमें कम से कम 5, 6 या 4 के ऊपर ही फिगर बनाना आवश्यक है। इंटरमीडिएट जो नियम है इंटरमीडिएट का कि कम से कम इंटरमीडिएट एलिमेंट्री का तो कम से कम 4 फिगर के ऊपर ही आपका मेमोरी ड्राइंग बनना चाहिए। मैंने ये वाटर कलर में काम करना शुरू किया है। मैंने केक कलर यूज़ किया वाटर कलर के, तो आप लाइट टू डार्क जो वाटर कलर की मेथड है, आप लाइट कलर से डार्क कलर कर सकते हो। पहले लाइट कलर से शुरू करना है। आप पूरा ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए। मित्रों, आप रेखाटन स्केच करते हैं तब आपके माइंड में हमें कौन सा कैसे फिगर बनाने हैं, कौन से और कैसे, कौन से एक्शन में बनाने फिगर, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर आपका स्केच रेडी हो जाना चाहिए, 15-20 मिनट। बाद में का जो पूरा समय है वो कलरिंग के लिए कीजिए, क्योंकि 2 घंटे में आपके ये ड्राई करके एग्जामिनर को ये चित्र देना होता है। दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड मैंने स्टार्ट किया कलरिंग के लिए, तो ऐसा क्यों किया, फिगर क्यों नहीं स्टार्ट की, तो बैकग्राउंड बड़ी होती है, बैकग्राउंड को कलर देना थोड़ा इजी हो जाता है। फटाफट कलर करके जो बड़ी बड़ी स्पेस है उसको पूरा पहले कलर कर लो, क्योंकि वो सूखने को टाइम लगता है। फिर बैकग्राउंड करने के बाद आप फिगर स्टार्ट कीजिए, तब तक बैकग्राउंड सूख जाएगा। फिगर का फर्स्ट लेयर दीजिए लाइट कलर, फिर बाद में थोड़ा सा और गाढ़ा मतलब मिडल टोन कीजिए, फिर डार्क टोन कीजिए, तब तक और बैकग्राउंड में जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है वो आप कर सकते हैं, तब तक बैकग्राउंड भी सूख जाता है। फिर बाद में डिटेल्स बनाइए फिगर के, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है। अभी ये 5-6 साल से इंटरमीडिएट का एलिमेंट्री का जो मेमोरी ड्राइंग का समय है, टाइम है, वो 2 घंटे कर दिया गया है करीबन 2015 से। लेकिन इसके पहले क्या था, तो सिर्फ 1 घंटे में, मित्रों 1 घंटे में, जब मैंने भी ये एग्ज़ाम दी थी तो सिर्फ मुझे 1 घंटा मिला था। 1 घंटे में ही आपको कलरिंग करके स्केच बना के ये देना होता है, तब हमको बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अभी आपको, आपके लिए गवर्नमेंट ने 2 घंटे समय दिया है, तो आप थोड़े अच्छे से और बना सकते हो। मुझे पता है कि 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड से करना होगा आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। अब मैंने कौन से कलर यूज़ किया दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने बर्न सेना यूज़ किया है, वर्मेलियन रेड यूज़ किया है, येलो ओकर यूज़ किया है, ऑरेंज यूज़ किया है, लेमन येलो यूज़ किया है, कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, सैप ग्रीन, स्काई ब्लू, ये सब मैंने कलर यूज़ किए हैं थोड़े थोड़े, आप देख सकते हैं। बाद में मैं कौन से कलर यूज़ किया हूँ वो वीडियो में आपको दिखेगा अंत में। आपको बहुत स्पीडली काम करना होता है दोस्तों, और कहीं भी कोरा कागज़ न छोड़ें,
मेमोरी ड्राइंग में इतना ध्यान रखिए। मित्रों, ये मेरा फ्री क्लासिकल ड्राइंग क्लास है। आप हर संडे मेरे चैनल पे एक नया सब्जेक्ट देख सकते हैं मेमोरी ड्राइंग का। और अपना जो काम है उसमें एक अच्छापन, एक क्लियरिटी, एक अच्छा फिगर बनाना आपको इजी होगा बनाने को, सीखने के लिए। आप बाहर अगर ड्राइंग क्लास लगाते हैं तो फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे फ्री में है। आप पॉज करके वीडियो देखिए। जब मैं ब्लैक बोर्ड ड्राइंग बनाता हूँ तो वहाँ पे स्टील फ्रेम भी मैंने रखी है आपको देखने के लिए, पॉज करने के लिए। तो स्टील फ्रेम का स्टडी कीजिए। मेन फिगर है, फिगर बनाने का, फिर कलर। ये कलर का ये डेमो मैं दे रहा हूँ फास्ट, ये स्टूडेंट लेवल का ही मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहा हूँ मैं, इतना ध्यान में रखिए। ये स्टूडेंट लेवल का ही ड्राइंग कलरिंग कर रहा हूँ ताकि आपको ये सरलता हो बनाने में, इजी हो, इजी लगे, यही मेरी कोशिश है, आपका काम करने का तरीका आसान हो। आपको ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आँख, नाक, कान, हाथ, सिर्फ एक्शन मूवमेंट दिखनी चाहिए और फिगर दिखनी चाहिए। इसमें ज़्यादा आँखें, नाक, कान, हाथ के फिंगर्स वगैरह वो बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, सिर्फ वो दिखना चाहिए, फिगर है, फिंगर है और ये फिगर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय सर। ड्राइंग पढ़ाने का ये क्लासिकल तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।